नो सर। नो सर। कोई बात नहीं, कर देते इसमें क्या। तो देखिएगा अब यहां पर माइनस एम ग्रुप जो है ये भी क्या है, देखिएगा SO3H ये कौन सा ग्रुप है बताइए, माइनस एम ग्रुप। एम ये रहा NOO माइनस एम ग्रुप, NO2 जो है। यहाँ पर आप देखिएगा CHO, CHO कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये भी क्या है, माइनस एम। एल्डिहाइड। यहाँ पर देखोगे COH कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस एम ग्रुप, फिर यहाँ पर COOR एस्टर भी माइनस एम ग्रुप है, फिर मैं यहाँ पे लग दूं कि भैया सी ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड है, ये भी माइनस एम ग्रुप है। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि भाई NH4+ ये भी कैसा है, माइनस एम ग्रुप है। NH4+ पॉसिबल ही नहीं है, NH3+ होगा ये, ठीक है NH3+ पॉसिबल होगा, ठीक है। फिर और क्या लिख सकते हैं, ये रहा NH2R+, ये भी क्या होगा, माइनस एम ग्रुप होगा। यहाँ पर अगर मैं ये लिख दूं NR3+, मतलब कुल मिला जुला के दोस्तों, अब मैं ये समझाता हूँ कि भैया देखिएगा आप लोगों के पास चांसेस क्या, कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि भैया मेटा ग्रुप है माइनस एम ग्रुप। थोड़ा बहुत इससे पहले आप लोगों ने देखा भी होगा, और जहां तक बात रही प्रेडिक्शन की कैसे पता करोगे, तो वो देखो दो कैरेक्टर्स इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, विड्रॉइंग हाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होगा। अब बताइए माइनस एम ग्रुप का मतलब क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग विथड्रॉइंग ग्रुप ग्रुप क्या होना चाहिए, EWG। अब जी। मैंने अगर यम माइनस एम प्लस एम पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। तो बस आप समझिएगा, लेकिन उसका रीजन कहाँ से, कैसे समझोगे कि माइनस एम ग्रुप ही है। एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये साहब आपका क्या है, बेंजीन रिंग है, यस सर। ठीक है। और यहां पर हमने क्या जोड़ दिया, SO, ये देखिएगा ध्यान से सुनते रहिएगा, ये रहा आपका, यही है कि नहीं बताइए, पहला यस सर। वाला। अगर ध्यान से यस सर। सुनिए दोस्तों, अगर यहां पर कार्बन रिंग से बेंजीन रिंग के बाद अगर कोई एटम जुड़ा हुआ है, और उससे कौन सा बॉन्ड अटैच है बताइए, डबल बॉन्ड। अगर उससे डबल बॉन्ड अटैच है, क्या अटैच है बताओ, डबल डबल बॉन्ड। बॉन्ड। बॉन्ड और अब क्या करोगे, देखोगे, अब एक काम करो, देखो चेक करो कि जिस कार्बन से बेंजीन रिंग, जिस कार्बन सॉरी जिस एटम से भी, यहाँ पे सल्फर है, उस पे चेक कर रहा है क्या, उस पे कहीं पार्शियल चार्ज आ रहा है क्या, डबल डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए, डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, और उसपे कहीं पार्शियल चार्ज आ रहा है क्या, कैसा यस सर। होगा बताइए, माइनस एम ग्रुप। माइनस कैसे होगा। अब देखो, अब एक बात बताओ, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, इधर, तो निगेटिव पॉजिटिव और ये निगेटिव, बताओ ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा बाहर, यस सर। समझ गए कैसा काम कर रहा यस है, ये सर। माइनस एम की तरह, माइनस और ये माइनस एम। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है फ्रॉम बेंजीन रिंग। अब बताइएगा कि अगर माइनस एम ग्रुप होगा, माइनस एम ग्रुप होगा, तो अब चलिए एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, और बाकी आप लोगों को पूरा खुद से समझना है, ठीक है। ओके सर। चलिए आ जाइए, हुआ क्या, अब इसका ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोगों के लिए कंफ्यूजन ना रहे। देखिएगा बताइए, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। यस सर। अब देखिए ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो साथ में इस पे पॉजिटिव, और ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहे हैं। अगला स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, देखते रहिएगा दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, और हाँ जिनको ना समझ में आए प्लीज पूछ लीजिएगा, मेरा काम ही वही है बताना, पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा साफ सल्फर, ये रहा सॉरी 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 ओ माइनस, ये रहा डबल बॉन्ड, और ये रहा ओ एच। अब सोचिए कि अगला वाला बॉन्ड ये इधर ब्रेक होगा तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। आएगा ये डबल बॉन्ड हो जाएगा पॉजिटिव, समझ रहे हो ना यहाँ तक, यस यस सर। सर। चलिए ये रहा ओ एच। अब अगले में ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, निगेटिव यहाँ पर आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव। अब आप लोग आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए,
ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बन जाएगा, समझ गया ना। यस सर। फिर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव और ये रहा साफ सल्फर, ये ओ माइनस, ये डबल बॉन्ड, ये रहा आपका ओ एच। फिर फर्दर क्या होने वाला है बताइए, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, सॉरी सॉरी, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इस पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड बना देगा, और ब्रेक होगा तो इसमें सल्फर पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा कि साहब ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और सल्फर, देखिए गए सल्फर में ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ओ एच, वापस वही स्ट्रक्चर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब दिमाग लगाओगे, सोचोगे आप लोग, तो मैं यही कहूँ कि देखो भैया, एक हमने सेम यही स्ट्रक्चर में नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, कहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, नीचे। अब मैं इसको गोलू मोलू बना देता हूँ, ठीक है। सोचो कि साहब यही जो ग्रुप था, इससे अगर आप दिमाग लगाओगे तो क्या मैं कहूँ कि देखो भैया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो आप लोग। यस सर। रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर में चेक करो क्या मेटा पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, देखो ये मेटा दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। कलर बदलता हूँ, रेड कलर में देखिए, बताइए मेटा पोजीशन पे नेगेटिव आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मेटा पोजीशन पर नेगेटिव आया कि नहीं आया? यस सर। और बाकी जगह पे क्या पॉजिटिव आ रहा था कि नहीं आ रहा था, चेक करो। एक ये रहा पॉजिटिव, यस सर, एक ये रहा पॉजिटिव और एक ये रहा पॉजिटिव, आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। बताओ कि भैया जब माइनस एन ग्रुप है तो ऑर्थो और मेटा पोजिशन, सॉरी सॉरी, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। यस सर। और बताइएगा मेटा पोजिशन पर क्या आपका न्यूक्लियोफाइल बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस सर। अब बताओ आपका जो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, या तो इस मेटा वाले पे, चाहे मेटल इस वाले पे। अब बताओ इस पे थोड़ी अटैक करेगा, अटैक करेगा क्या? नहीं, नो सर, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और प्लस प्लस में रिपल्सन होने लगेगा। तो अब बताइएगा माइनस एम ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, तो अब कहाँ वो डायरेक्ट कर रहा है, मेटा पोजिशन पे कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। तो मेटा ग्रुप पे कर रहा है, तो भैया माइनस एम ग्रुप क्या हो गया और कैसा काम करेगा बताइए, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसा काम करेगा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा देख लिया ना आप लोगों ने, चलिए। यस सर। अब एक बात बताइएगा, क्या मैं यहाँ पे लिखूं कि माइनस एम ग्रुप रिड्यूस द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग? यस सर। यस सर। माइनस एम ग्रुप आर रिड्यूस न्यूक्लियो, चाहे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर लिख देता हूं, ठीक है, फिलिक कैरेक्टर फ्रॉम बेंजीन रिंग। डन गाइस? डन सर। अब ध्यान से सुनिएगा, बताइए ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन आप लोग देख रहे हो क्या? कलर बदलता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन देख रहे हो आप लोग? यस सर। अब क्या बताओ, ये पाई इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बाहर बेंजीन रिंग से? यस सर। यहाँ देखो आ गया कि नहीं आ गया? तो अब एक बात बताओ, पहले 6 पाई इलेक्ट्रॉन था रिंग के अंदर, अब कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चला जा रहा है क्योंकि माइनस एम ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। अब बताओ इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर घटा कि नहीं घटा? Yes, yes, हाँ, जब न्यूक्लियोफाइल पहले के कम बेंजीन था तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, और जब माइनस एम ग्रुप जुड़ गया तो इलेक्ट्रॉन कुछ खींच लिया, तो अब थोड़ा 6 इलेक्ट्रॉन से थोड़ा कम फील कर रहा है। तो बताइए न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा अच्छा रहेगा, न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा अच्छा रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल उस पर और आके अच्छे से अटैक करेगा कि नहीं करेगा? yes, sir. तो बताओ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के केस में कैसा काम करेगा, कि भैया ये रिंग एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, रिंग एक्टिवेटर की तरह। तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल और अच्छा बनेगा और इलेक्ट्रोफाइल और आसानी से अटैक करेगा, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पे देखिएगा, आप लोग कुछ लिख रहा हूं मैं यहाँ पे दोनों के केस में,
अलग अलग कंक्लूजन निकल जाएगा कि भाई साहब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, बेंजीन रिंग अटैच है कि नहीं, और इससे हमने क्या जोड़ा हुआ है, प्लस एम ग्रुप, क्या जोड़ा हुआ है, प्लस एम ग्रुप, तो ये क्या होगा, ऑर्थो और दूसरा पैरा। डन गाइस, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। बताइएगा ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? यस सर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब बताइएगा ये जो बेंजीन है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर आर इंक्रीजेस या विल बी इंक्रीजेस, जो बोलना है बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? यस सर। तो बताओ, तो अब बताइएगा इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या हो गया, विल बी इंक्रीज्ड, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है। तो बताइए अब न्यूक्लियोफाइल और बढ़ गया, तो भैया ये ग्रुप कौन से होंगे बताइए, एक्टिवेटर ग्रुप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे प्लस एम को? यस सर। एक्टिवेटर ग्रुप, क्योंकि भैया न्यूक्लियोफाइल बढ़ा दिया, तो अब जो है साहब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना बड़ी आसानी से अटैक करेगा। तो बताइए जो जितना प्लस एम ग्रुप होगा तो उस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्योंकि ज्यादा प्लस एम ग्रुप है ना, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल और ज्यादा बेंजीन काम करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल और आसानी से अटैक करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको शॉर्टकट में लिख देता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EASR, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम ग्रुप। बताइए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बताइए, प्लस एम ग्रुप। मैं यहाँ पे अब एक चीज और ऐड कर दूं, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा बताइए, प्लस एम ग्रुप के, क्योंकि जितना ज्यादा प्लस एम ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर उतना ज्यादा देगा, तो अच्छा ही न्यूक्लियोफाइल बनेगा, बेंजीन रिंग, तो इलेक्ट्रोफाइल और आसानी से अटैक करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उसका, ज्यादा होगा। अब बताइएगा कि अगर मैं बोल दूं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, तो बताइए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा क्या? नहीं। तो अब इलेक्ट्रोफाइल और थोड़ा कम टाइम लेगा, मतलब ज्यादा टाइम लेगा अटैक करने पर, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका उल्टा हो जाएगा। डन, क्लियर? यस सर। अब ये देखिएगा, ये रहा, मैं इसको इधर कर देता हूं थोड़ा सा। भैया क्या अटैच्ड है, माइनस एम ग्रुप, बताइए ये कौन सा है, मेटा डायरेक्टिंग, और ये क्या होगा बताइए, रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप, बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। अब बताइएगा जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो उस केस में भाई इलेक्ट्रोफाइल उस पर उतनी आसानी से अटैक नहीं करेगा जितना कि प्लस एम के केस में कर रहा था, ठीक? यस सर। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे देखिएगा हमने क्या लिया हुआ है, ये रिएक्शन है, ये रहा NO2, क्या बताइए, NO2, और हम रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेट HNO3, और यहाँ पर क्या है आपका कंसंट्रेट H2SO4, बताइए कौन सा यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने वाला है, NO2 पॉजिटिव। अब बताओ इसके लिए मैंने क्या चेक करने के लिए बोला था कि भैया प्लस एम है कि माइनस एम है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, बताओ इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। कौन सा ग्रुप हो गया, माइनस एम, और डबल बॉन्ड से भी अटैच है, बताओ ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और बताइए मेटा डायरेक्टिंग,
प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डाई मेट्रो, सॉरी डाई नाइट्रो बेंजीन। यस सर। एक बात बताइए, अगर ये बोल दे कि देखो साहब ये किसमें है, किसमें है? एक्सेस में। तो एक्सेस में होगा तो भैया एक और बार नाइट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर भी दोनों बार होगा कि नहीं होगा बताइए, एक्सेस में बोलेगा तो? यस सर होगा। ये जो दूसरा पोजीशन है इस पर भी नाइट्रेशन हो जाएगा, समझ गए दोस्त? यस सर। यस सर। यस सर। वो मेंशन करे कि साहब देखो ये एक्सेस में है, बताइए क्या एक्सेस में है? एक्स अमाउंट में। चलिए बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, इसी NO2 की जगह क्या अगर मैं लिख दूं कि भैया SO3H मेटा पे जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए? माइनस एम ग्रुप है, सेम रिएक्शन। यस सर। एक बात बताओ, अगर मैं इसी की जगह चलिए एक ये CHOL डिहाइड कर दूं तो भी क्या होगा? वहीं पर अटैक करेगा। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड कर दूं तो भी कहां अटैक करेगा? मेटा पे करेगा। अगर मैं CN कर दूं तो भी कहां करेगा? मेटा पे करेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? यस सर। बहुत बढ़िया। अब एक और रिएक्शन आप लोगों को देता हूँ, ये तो फर्स्ट रिएक्शन था, ये हो गया, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कवर कर देता हूँ। एक रिएक्शन है यहाँ पर, चेक करिएगा, ये रहा आपका डबल बॉन्ड ओ और ये रहा NH2। अब सोचिए क्या यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और डबल बॉन्ड इसे अटैच है कि नहीं है उसी कार्बन से? यस सर। यस सर। देखो इस कार्बन पे क्या चेक करना है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा, और दूसरा ये डबल बॉन्ड से कहीं अटैच है कि नहीं, तो अटैच है कि नहीं बताइए ऑक्सीजन से? माइनस एम। मैं इसका किससे रिएक्शन करा रहा हूँ बताओ, किससे? प्लस बी आर टू और यहाँ पर हमने क्या रखा है, एफ ई बी आर थ्री। अब आप लोग बताइएगा कि साहब क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है? बताओ। मेटा पे लग जाएगा बी आर। अब बताइए यहाँ से इन दोनों से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ब्रोमोनियम इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कि नहीं बनेगा? शुरू में बताया था, याद करो, देखो सर। हाँ बोलिए सर। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा या फिर ब्रेक हो जाएगा? ब्रेक नहीं होगा ना, ये तो ऐसे ही रहेगा। डन सर। वो रेजोनेंस होकर फिर वापस आ जाता है ना, रेजोनेंस होगा लेकिन वापस फिर रीगेन कर लेता है आखिरी में, आप देखे होंगे। बताइए इलेक्ट्रोफाइल, बताइए यहाँ पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा? चाहे आप इसी स्ट्रक्चर को ये लिखो, इस तरफ लिख दो, बात देखिए कोई मतलब नहीं, इसी बी आर को मैं इधर लिखू, एक ही स्ट्रक्चर है कि नहीं? यस सर। तो उसे कोई मतलब नहीं। अब एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि देखो साहब क्या, देखो साहब ये बी आर जो है ना, यहाँ पे मैं क्या कर दूं, एफ ई बी आर थ्री और एक्सेस बी आर टू, क्या कर दूं? एक्सेस बी आर टू। अब बताओ कहाँ कहाँ रिएक्शन होगी, दोनों मेटा पोजीशन पे होगा कि नहीं होगा? यस सर हो जाएगी। समझ गए आप लोग? ओके सर। यस सर। एक्सेस में होगा तो दोनों पोजीशन पर आपका प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है, समझ रहे हो? अगर सर मतलब एक्सेस में होगी ना तो डायरेक्ट दोनों पे लग जाएंगे ना? हाँ, क्योंकि एक बार रिएक्शन हुआ, बताइए अगर एक्सेस में है, अगर मान लीजिए एक्सेस में नहीं है तो बताइए सिर्फ यहीं पर होगा कि नहीं होगा ब्रोमिनेशन, हैलोजिनेशन चाहे ब्रोमिनेशन बोलिए, इस वाले पोजीशन पर? लेकिन अभी भी बताइए क्या रिएक्शन में बी आर टू बचा होगा कि नहीं बचा होगा, ये वाला? यस सर। तो और इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो वो कहाँ चला जाएगा फिर, इस वाले बी आर पे जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। डन गाइस, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, एक्सेस में होगा तो दोनों जगह हो जाएगा। चलिए आ जाइए, अब आप लोगों से मैं ये क्वेश्चंस है, ठीक है, ये किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, जेईई मेंस वगैरह का, नीट वगैरह का। हाँ, तो इन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखिएगा आप।
इन्होंने क्या बोला हुआ है, बेंजीन रिंग दिया हुआ है। यस सर। एक बात बताओ आप लोग, क्या यहाँ से ये नाइट्रेटिंग एजेंट है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या बनने वाला है, एनओ टू NO2। पॉजिटिव। अब बताओ कहीं भी अटैक करेगा कि नहीं करेगा। यस सर। यस सर। अब बताओ देखो, ये रहा साहब बेंजीन रिंग और ये रहा आपका NO2, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। यस सर। यस सर। तो पहले मैं अब चेक करो, बताओ बताइए, ए में वही है, इसमें वही है, इसमें वही है, क्या ये निकाल दे थर्ड ऑप्शन। हाँ यस सर। जी। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, Cl2, क्या बोला हुआ है, Cl2 Cl2। AlCl3, बताइए यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, Cl+, यस क्लोरोनियम। सर। यस सर। यस तुम एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है, ये NO2 कौन सा ग्रुप है, माइनस एम। यस सर। माइनस एम। अब यस बताओ सर। बी, ए प्रोडक्ट आपको पता चल गया, बी प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, मेटा कोई बताएगा डायरेक्टिंग। मुझे। तो मेटा डायरेक्टिंग होगा ये भी। बताइए क्या मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ कि भैया बी जो है ना, ये रहा आपका सीएल और ये क्या हो गया बताइए। NO2। अब एक बात बताओ, सोचो 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 कि देखो साहब, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि भैया बी ऑप्शन चेक करना है, क्या चेक करना है बताओ, बी ऑप्शन। बी। क्या इसके मेटा पोजीशन पे है कि नहीं सीएल, यस बताओ। सर। यस सर है। यहाँ पे यस देखो ये ऑर्थो तो ये मेटा, बताइए ये भी सही है। यस सर। यस सर। बताइए ये वाला एनओ, भी, ये भी सही है। ये भी ये है। भी पोजीशन पे सही है कि है। नहीं, यस यस सर। सर। बताइए यस ये सर। पैरा पे है, गलत गलत। निकल गया, बताइए ये सही है। ये यस भी, समझ सर। यस गए सर। आप लोग क्या है, जी। ये भी है, तो ये भी, यानी हमने ए और बी से तो कुछ हम कर नहीं पाए। चलिए यस आ सर। जाइए अब यहाँ पर, बताइएगा सुनते रहिएगा क्या बताने वाला हूँ। देखो सर मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, बताइए क्या है, इंजीनियरिंग। और ये NO2 ग्रुप उससे अटैच है, और हम किससे ट्रीट कर रहे हैं, Fe+ HCl, बताइए Fe+ HCl। HCl। याद रखिएगा ये जो मिक्सचर है ना दोस्तों, ये कैसा काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, कैसा काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और ये साहब ना क्या कर देता, अगर कहीं भी इसको NO2 दिख जाए तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बताइए, NH2 एनएच। में। लिख लीजिए इसको कि अगर FeHCl आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, FeHCl आपको दिख जाए तो ये बताइए NO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में। NH2। NH2। डन। अब आप लोग दिमाग लगा के बताओ कि भैया कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला ऑप्शन है। ए। ऑप्शन फर्स्ट ए। ऑप्शन। बताओ यहाँ पे देखो, सेकंड में चेक करो, बताइए यहाँ पे सीएल आ सकता है क्या कहीं से, सॉरी नो सॉरी सॉरी सर। सॉरी, तो OH नहीं सी आएगा। सीएल तो ओ एच पहले नहीं। क्या OH में कन्वर्ट होगा, नहीं नो सर, सर। NH2 में कन्वर्ट नो होगा, हटा सर। दो इसको। बताइए यहाँ पर तैरा NH2 है। किया हुआ है, लेकिन ये तो पहले ही कट चुका है, यस बताइए सर। यहाँ पे हाँ NH2 किया हुआ है, जी। ओ एच OH, ये कहाँ से आ सकता है भाई, ये तो आएगा ही नहीं, क्या यस कन्वर्ट सर। होना है बताइए। ये जो अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो NO2 आप लोग देख रहे हो ना, यस सर। ये वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताइए, NH2 में। NH2 में बताओ NH2 में कन्वर्ट हो गया, और ये Cl दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। आप यस सर। देखो ये लोग कितने स्मार्ट है कि इसको इधर पलट के लिखते हैं, स्ट्रक्चर इधर उधर करके लिखते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट यस ऑप्शन। सर। यस सर। एक चीज और पूछना है, देखो ऐसे ही जेई मेंस में चाहे जेई एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं, मुश्किल था क्या या आसान था, इजी था। इजी था। इजी क्यों था, सारी चीजें क्योंकि क्लियर होनी चाहिए वरना फिर ऑर्गेनिक में गोल गोल घूमते रहेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए भैया, इंपॉर्टेंट है, बताइए इंपॉर्टेंट है, और एक जगह नोटबुक में लिख लो कॉर्नर पे, चाहे एक जगह अच्छा सा पेज पे, कि देखो साहब FeHCl अगर कहीं भी होगा और साथ में NO2 होगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा बताइए, अमाइन में करेगा कि नहीं करेगा। NH2 में। यस सर। डन। क्लियर। डन सर। यस सर। यस सर। चलिए
ये देखिए आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए कि इन्होंने क्या पूछा होगा। ये किसी जेई मेंस में किसी साल पूछा होगा, इन लोगों ने, इतना भरोसा है मुझे। 38 दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर? यस सर। देखो ये Br2 AlBr3, यहां से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला है बताइए? Br+ ब्रोमोनियम इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। यस चलो देखो, इन्होंने कहा कि भैया मेजर प्रोडक्ट बता दो। क्या बता दो? मेजर। मेजर प्रोडक्ट। और देखो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है डाई इथाइल ईथर, ये वाला गोलू मोल वाला, ठीक है? ये क्या है आपका? सॉल्वेंट है। क्या बताइए? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इसके बारे में सोचना नहीं नहीं, है। वो तो उसी नहीं मीडियम में है। देखते, जैसे पानी में हम लोग घोल देते हैं वैसा ईथर में हमने घोल रखा है। अब आ जाइए, ये चेक करो आप लोग, बताओ ये पूरा ग्रुप कैसा काम कर रहा है, -M की तरह कैसा कर रहा है। -M। एक मिनट, तो मैंने क्या यस बोला सर। था कि देखो साहब यहाँ पे कार्बन हो और इस पे देखिएगा पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये डबल आ रहा बॉन्ड है। जुड़ा यस हुआ है, सर। यस बताओ सर। कैसा काम करेगा। अब -M की तरह। बताओ -M। ये -M की तरह काम कर रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन बन रहा है? Br+। अब बताओ कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, कौन मेटा पे। सा ऑप्शन ऑप्शन सही है, चेक करो। थर्ड थर्ड ऑप्शन थर्ड थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन। यस यस सर। सर। देखो भैया ये रहा ऑर्थो, ये रहा ऑर्थो, ये मेटा, ये मेटा और ये पैरा। कॉन्सेप्ट अब बताओ अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें कितना सेकंड लगेगा? नथिंग। एक चीज और कंफर्म करना है मुझे। हेलो बाकी लोग, यार कुछ तो बोलो यार। हेलो यस सर। हेलो, यस यस सर। सर। यस बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है? जी यस सर। यस सर। पक्का? यस यस सर। सर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे गाली मत देना। चलो बढ़िया है, क्योंकि मैं तो यही मान के चलता हूँ कि भैया नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मेरे से पूछोगे, और समझ में आएगा तो और अच्छी बात है, स्मार्ट जीनियस। चलो आ जाओ, दिमाग लगाओ। यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग, ये जेई मेंस में, अच्छा हाँ जेई मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, नीट में थोड़ा और लेवल कम कर देंगे। तो भैया नीट वाले अगर इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉरी इसको सॉल्व कर लेंगे, तो उनमें जो आएगा वो तो और आसानी से कर लेंगे। एक बात बताओ भैया, यहाँ पे एक्सेस में कुछ दिख रहा है क्या कहानी? Br2 Br2 दिख रहा दिख है। रहा बताओ यहाँ से बिना आपको क्या मिलने वाला है? Br+ इलेक्ट्रोफाइल, क्या मिलने वाला है? ठीक Br पॉजिटिव। Br+ है, और यहाँ पे भी क्या मिलने वाला है बताइए? Br। प्लस सल्फाइड। देखिए यहाँ पे वाटर है और यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? कार्बन डाई सल्फाइड। यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो क्या मान के चलोगे? 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, ठीक है? अब यस एक सर। बात यस। बताओ, पहले एक की एक तरफ चलते हैं, किधर चलते हैं बताओ, किधर 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 किधर? ही तरफ। इन्होंने बोला है ए इतना सारा रिएक्शन हो रहा है, देखो सर ए बता दो और दूसरा क्या बता दो? बी डन डन। सर। सर सोचो, अब मैंने ये कहा कि देखो सर यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं दिया हुआ है, AlBr3, तो आप मान लेना कि देखो सर यहाँ पे AlBr3 है, और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है? Br+ Br। अब बताओ पॉजिटिव। एक्सेस में दिया हुआ है तो क्या ये ऑर्थो, ये ऑर्थो और ये पैरा पर होगा कि नहीं होगा ब्रोमिनेशन? यस सर। बताओ इसके हिसाब से मैं बोलूं तो इसमें भी है, इसमें भी है, बताइए। इसको सी और थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को उड़ा दूंगा। हाँ सर। बोलिए। हेलो बोल दो यार, इसमें क्या है, मैं कौन सा डराता हूँ? ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए इधर, आ जाइए इधर 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 इधर। देखो -0, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर क्या बोला हुआ है कि भैया 5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है, 5 डिग्री सेल्सियस बताइए 5 डिग्री सेल्सियस से कम। कम टेम्परेचर। समझ में आ रही है बात? तो अब ये क्या होगा कि भैया टेम्परेचर बहुत कम है, क्या है? टेम्परेचर बहुत कम है और यहाँ पे कम एक्सेस वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, बताइए क्या एक्सेस है क्या यहाँ पे? नो नहीं सर। है। तो अब नो ध्यान से सुनिएगा, एक ही ब्रोमिनेशन होगा, क्या होगा बताइए?
एक ही एक ही ब्रोमिनेशन ब्रोमिनेशन। होगा। अब बताओ, एक ही ब्रोमिनेशन बी में यहाँ पे दिख रहा है, फोर्थ वाले में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर दिख रहा है, लेकिन ये यस ऑप्शन है, सर कैंसिल हो चुका है, कैंसिल बताइए। यहाँ पे दो बार है तो इसको हो। हटा दो। बताइए, थर्मोडायनामिक स्टेबल है, लो टेम्परेचर पे क्या होगा? थर्मोडायनामिक स्टेबल यानी कि मोर, ज्यादा ब्रोमिनेशन नहीं ऑप्शन होगा, सेकंड, इवन एक्सेस में नहीं दिया हुआ है। तो बताइए, इसमें दो बार हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यस सर, ये भी नहीं चलो होगा, एक ही बार होगा। टू तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन ऑप्शन सेकंड। टू। आप समझ में आया कि कैसे डेटा देखना है और एलिमिनेशन मेथड यस कैसे लगाओगे? सर जी जी सर एलिमिनेशन मेथड समझ में आ रहा है? यस सर यस सर यस चलिए आगे बढ़े इस क्वेश्चन की तरफ। सोचो, यस सर दिमाग लगाओ, ये तो मैंने पढ़ाया भी है। बताइए, ये कौन सा ग्रुप है? प्लस सेम ग्रुप बताओ, लोन पेयर है कि नहीं इसके पास? है सर। अब बताओ भैया, मेजर प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट। बताइए कौन कौन सा रिएजेंट, इन्होंने बोला है द गिवन रिएक्शन इन अकर इन प्रेजेंस ऑफ, कौन कौन सा होगा बताइए? सी ऑप्शन में आता है कि नहीं आता? यस सर सी ऑप्शन में आता है कि नहीं आता, बताओ पहले। यस सर ये तो हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जी सर पढ़ा है। तो बताइए, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा Br+, और ये भैया ऑर्थो पैरा है तो भैया पैरा पे अटैक करेगा, क्योंकि मेजर बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे Br अटैक करेगा तो Br की साइज बड़ी होती है, रिपल्सन होगा इनके बीच में, तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इन्होंने मेजर की बात करा हुआ है। अब बताइए, सी ऑप्शन अगर आपको पता है, कंफर्म है कि नहीं सी ऑप्शन? यस सर यस सर बताओ, पहले में सी दिख रहा है आपको? नो नहीं, सर हटा दो इसको। बताओ चौथे में आपको सी दिख रहा है क्या? नो सर सर हटा दो इसको। अब बताओ ऑप्शन कौन कौन सा सही हो सकता है? सेकेंड टू और थर्ड और थर्ड अब बताओ ए सी में आ जाओ। बताइए सी है और ए है, सी और ए ए, भाई साहब इससे भी आपका बनता है, क्या बनता है इससे भी? बनता Br+, है। यस ठीक सर है? तो जी ए और सी आपका आंसर है, ठीक है? अगर यस सर यहाँ पे यस कहीं आपको Br2 और साथ में H2O दिया हो तो भी ये भी बन सकता है, एक तो ये, और दूसरा रिएजेंट क्या पॉसिबल है कि सर Br2 और यहाँ पे क्या हो गया FeBr3, इससे भी ये बन सकता है मेजर। तो दो ऑप्शंस हैं, बाकी यहाँ पे नहीं, ठीक है? यस सर से यहाँ पे अगर ना भी ऑप्शन है ना, जहाँ पे वहां पे अगर 273 केल्विन, मतलब उधर जो एक सेकेंड टेम्परेचर एक देके सेकेंड रखा है ना। एक सेकेंड दोस्त एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड हाँ, ये देखिएगा, ए बी सी डी, नहीं नहीं चलेगा, गुड, डन डन, आगे बढ़े। ये देख रहे हो आप लोग, यस आ सर यस सर जाए, अब आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन पढ़ोगे आप लोग तो बोलोगे, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस द रीजन व्हाई मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट आल्सो इज फॉर्म। बताइए, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या है बताइए? अब लोन पे ऑफ बताओ इलेक्ट्रॉन कि इन्होंने बोला हुआ है कि रीजन व्हाई मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट आल्सो इज फॉर्म। बताइए, ये ऑर्थो पैरा और ये ऑर्थो बन रहा था, तो हमें समझ में आ रहा था कि भैया ये कौन सा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो और पैरा पैरा, डायरेक्ट है, पैरा डायरेक्ट। लेकिन 47% मेटा बन रहा है। बताइए कितना बन रहा है? 47% इसके 47% अकॉर्डिंग तो नहीं बनना चाहिए ना, नो सर यस सर लेकिन ये बन रहा है। क्यों बन रहा है उसका रीजन समझाता हूँ, सुनिएगा बाकी लोग, सबके सब एक्टिव होना, आवाज तो आ नहीं रही कुछ की, यस थोड़ा सर सा बुढ़ा यस सर होके चिल्ला लेता हूँ, बाकी बोलता हूँ क्लास डिस्टर्ब करो तो नहीं करते हो, कमाल है। बाकी टीचर क्या बोलते हैं कि भैया क्लास में शांति बनाए रखो, और मैं क्या बोलता हूँ क्लास डिस्टर्ब करो तो करते ही नहीं हो। नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता, सब बोलते हैं शोर मचाओ। हाँ सब बोलते हैं क्या, जी कमाल है। चलिए आ जाइए, बताइए, ये आप देख रहे हो NH2, बताओ लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कैसा काम करेगा बेस?
कैसा काम करेगा बताओ, याद करो, लेविस बेस की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा अब बताओ, मैंने इसमें इस रिएक्शन मिक्सचर में क्या कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 है कि नहीं? एसिड एसिड एसिड, यस सर। बताओ एसिड का काम क्या है? ये अपना H+ दे देगा सॉल्यूशन में, यस सर तो भैया जी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन ये इसको दे देगा। अब ध्यान से सुनिएगा, दिमाग लगाओ आप लोग, क्या NH3+ हुआ? अब बताइए क्या ये -M ग्रुप लिखा था कि नहीं लिखा था कि NH3+ होगा तो -M की तरह काम करेगा? यस सर। यस सर अब बताओ कि भैया ये जो एमाइन था इसका नेचर कैसा है? बेस, और हमने नाइट्रेशन करवाएंगे तो एसिड तो डालेंगे ना उसमें, यस H2SO4 सर HNO3, तो एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होता है। बताइए कौन सी रिएक्शन, अगर मान लीजिए कहीं एसिड एसिड है और कहीं बेस है तो सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन सी होगी? एसिड बेस एसिड रिएक्शन होगी, और इसीलिए कुछ तो यहाँ पर NH2 भी रहेगा और बाकी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताइए? NH3+ में। पॉजिटिव। तो अब बताओ कि भैया इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी तो आपको बताइए क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है? ये रहा साहब NH2, और बताइए यहाँ पर एक NO2 मिलेगा और दूसरा प्रोडक्ट इससे क्या मिलेगा बताइए? ऑर्थो पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा लेकिन इससे क्या मेटा पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए? यस सर यस सर। NH3+ और यहाँ पे आ गया NO2। तो अब याद रखिएगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना इसका नाम क्या है? एनिलीन। क्या नाम है? एनिलीन एनिलीन। एनिलीन। तो अब बताइएगा जैसे ही आपको नाइट्रेशन कराना है एनिलीन में क्या आप ये डालोगे कि नहीं डालोगे? HNO3 डालेंगे कंसंट्रेट, और जैसे ही डालोगे तो क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? ये बना देगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसका क्या नाम है? एनिलीनियम आयन। क्या नाम है? एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन बन जाएगा। और ये कैसा है भाई? -M बेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इसीलिए भाई साहब ये कितना बनता है? 47%। ये कितना बनता है? 51%। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये कितना बन रहा है? 2% जी। साहब। क्यों? क्योंकि ये भी बल्की ग्रुप है, ये भी बल्की ग्रुप है, इनके बीच में क्या हो जाता है? रिपल्सन होता है। डन गाइस, सोचो सर दिमाग लगाओ। इन्होंने ऑप्शन कहा कि देखो थर्ड। साहब आप मुझे बताओ कि रीजन व्हाई मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट इज फॉर्म ऑल्सो इज फॉर्म, बताइए कौन सा चार में से, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन सा ऑप्शन सही थर्ड है? थर्ड समझ ऑप्शन गए आप लोग? क्योंकि कैसा काम करेगा ये? -M की तरह। बाकी लोग हेलो, यस ये सर। थोड़ा अब यस सुन रहे हो ना? सर समझ में आ रहा है? यस सर आ सर रहा है। सर चल, ये देखिएगा, ये देख रहे हो आप लोग, इन्होंने क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स शोइंग इंक्रीजिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। किसकी बात कर रहा है ये? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बता इस पे क्या अटैक करने वाला है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है कि नहीं करने वाला? यस यस सर। सर यस क्या हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा हुआ है? नहीं, नो सर। हमने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बड़ा है। यस सर। सिंपल है। अब मैं क्या कहूँ, एक बात बताओ आप लोग, दिमाग लगाना, सोचना, बड़े ठंडे दिमाग से सोचना कि देखो साहब ये क्या है आपकी? एक क्यूट सी बेंजीन रिंग है। क्या है? बेंजीन। बेंजीन और यहाँ पर इसके अंदर मैंने ऐसे गोलू मोलू करके बना दिया है, बताइए इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन। यस सर। यस सर और इसकी वजह से ये कैसा काम करता है? न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियो फाइल। फाइल बताओ क्या इस पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर पाएगा क्या? किसके पास खुद ही नो निगेटिव सर। चार्ज है और ऑप्शन न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा भी, इसका। बताता हूँ मैं, नहीं अटैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा बताओ? यस सर नहीं कर यस सर। नहीं कर पाएगा, पाएगा। नहीं कर पाएगा। अब एक बात बताओ,
कि अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी तरह से घट जाए, बताओ क्या हो जाए, किसी तरह से कम हो घट जाए, जाए। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने वाले ग्रुप जोड़ दे, बताइए इसी बेंजीन रिंग से हम कौन से ग्रुप जोड़ दे, माइनस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, बताइए इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब जब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर घट गया, अब बताइए ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल था आसानी से अटैक करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। अब बताओ चेक करो किसमें सबसे ज्यादा माइनस माइनस एम ग्रुप अटैच है, देखो ये भी माइनस एम, ये भी माइनस एम, ये भी। अब बताओ इस पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। यस सर। अब बताओ इसमें कितने माइनस एम ग्रुप है? टू। तो बताओ इसमें थोड़ा सा थोड़ी डिफिकल्टी अवेलेन कर लेगा, यहाँ पे कितना है, एक माइनस एम, और यहाँ पर कोई नहीं है। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल किस पे फोर्थ में सबसे ज्यादा आसानी से अटैक करेगा कि नहीं करेगा? yes, करेगा। अब बताओ टूवर्ड सब्स्टिट्यूशन में, अब देखिएगा फोर्थ सबसे ज्यादा आसानी से कर रहा है, तो भैया फोर्थ फिर थर्ड फिर सेकेंड एंड देन फर्स्ट, डन। समझ में आया कैसे डिसाइड करना है? yes, अब एक बात बताओ, अगर मैं बोल दूं कि भाई साहब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता दो किसमें सबसे ज्यादा होगा, ऑर्डर बताओ, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना है, तो बताओ ये सबसे ज्यादा लेस न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा? यस सर। और ये सबसे ज्यादा होगा, तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल इस पे इजी अटैक करेगा आसानी से कि इस पे जो फर्स्ट वाला जिसमें कोई ये तो आप बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा इसका फिर इसका होगा कि नहीं होगा? यस सर। चलिए, क्योंकि उस समय आपको अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। डन, आगे बढ़े। यस सर। चलिए आ जाइए यहाँ पे, देखिएगा आप लोग वही सेम अभी इससे पहले हमने किया था ना? yes, yes, किया, था। किया था। सोचो आप लोग दिमाग लगाओ और बताओ, इन्होंने बोला हुआ है करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिमेल रिएक्शंस, इन्होंने बोला हुआ है NH2, याद रखिएगा NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, सो द बी प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। सही बोला है कि नहीं बोला है? सर पॉसिबल था ये एनिलीनियम आयन जो आया था इसमें। अरे इन्होंने क्या बोला हुआ है NH2 ग्रुप नहीं होगा सर, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव सो बी इज नॉट पॉसिबल। यस सर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, रिएक्शन इज पॉसिबल एंड बी विल बी मेजर प्रोडक्ट, तो भैया बी मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है, ये 51% होता है। yes. और ये क्या होता है आपका 47 और ये 2%। आगे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, द फॉर्म द रिएक्शन विल फॉर्म सल्फोनेटेड प्रोडक्ट एंड इंस्टेड ऑफ नाइट्रेशन, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। और फोर्थ में देखिए, रिएक्शन इज पॉसिबल एंड कंपाउंड ए विल बी मेजर प्रोडक्ट, बताइए यस सर कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन। समझ गया ना, रिएक्शन इज पॉसिबल एंड कंपाउंड ए विल बी मेजर प्रोडक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर भी आप लोग देखिएगा कि इन्होंने क्या बोला हुआ है कि देखो सब पहले में NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव सो बी प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई होता है ऐसा, ए एक्चुअली देखिएगा बी नहीं बनता है, ये दोनों बनता है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर ना एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, तो ये माइनस एम की तरह और प्लस एम दोनों काम करता है, तो इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही। ठीक है, यस सर। इन्होंने बोला हुआ है कि प्रोडक्ट बी इज नॉट पॉसिबल, लेकिन उस केस में बी बन रहा है, समझ रहे हो ना आप लोग, तो इसलिए वो गलत है, वरना ये स्टेटमेंट सही है। ठीक ना? यस सर। बी इज नॉट पॉसिबल बोल दिया है, बस इसकी वजह से वो गलत हो गया, क्योंकि वो तो बन रहा है रिएक्शन में, आप भी देख रहे हो। तो अब हमारे पास इतने क्वेश्चन था क्या? सॉरी यार। अच्छा, रिएक्शन समझ में आ रहे हैं कैसे करने इनको? यस सर। यस सर। यस सर।
चलिए एक मिनट दे दीजिए, मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूँ और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस? ओके सर। यस सर।